नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। एक फीडबैक ने भाजपा की चिंता बढ़ा दी है। ये फीडबैक भाजपा के दिग्गज नेताओं का है, जिनमें कैलाश विजयवर्गीय, प्रभात झा के साथ फग्गन सिंह कुलस्ते, नरेंद्र सिंह तोमर जैसे केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। इन नेताओं का मानना है कि कार्यकर्ता विधायकों और नौकरशाही से नाराज है, कार्यकर्ताओं की कोई सुनता नहीं है, लिहाजा उनमें नाराजगी है। प्रशासनिक मशीनरी भी कार्यकर्ताओं को ज़्यादा महत्व नहीं देती। इस फीडबैक ने संगठन को चिंता में डाल दिया है। सरकार भी चिंतित है और चुनाव से पहले अच्छा संकेत नहीं है। हालांकि ये सच है कि चुनाव में भाजपा की स्थिति बहुत मजबूत है, लेकिन कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का असंतोष शीर्ष नेतृत्व को चिंता में डाल रहा है। चुनाव में ज़्यादा वक्त नहीं बचा है और ऐसे में पार्टी कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए क्या जतन करेगी और कार्यकर्ताओं की नाराजगी का क्या असर होगा, ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा जुटाए गए जमीनी फीडबैक ने राज्य सरकार और संगठन दोनों की चिंताएं बढ़ा दी है। कई इलाकों के जमीनी कार्यकर्ता अपने क्षेत्र के विधायक और नौकरशाहों से नाराज हैं। बीजेपी के पास लंबे अरसे से जमीनी स्थितियां अच्छी नहीं होने की सूचनाएं आ रही है। संगठन ने अपने स्तर पर जो फीडबैक पहले मंगाया वह भी पार्टी के लिए उत्साहजनक नहीं था। लगातार एक ही बात आ रही है कि जमीनी स्तर के कार्यकर्ता अपने निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से खुश नहीं हैं और उन्हें अपने दल की सत्ता होने के बावजूद महत्व नहीं मिल रहा। भाजपा प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने इन सब खबरों को मनगढ़ंत बताते हुए कहा कि कहीं कोई असंतोष नहीं है। इस तरह की जो भी खबरें आ रही कि कार्यकर्ता नाखुश है, संगठन के फीडबैक में बात सामने आई, पूरी तरह से मनगढ़ंत और कोरी अफवाह है। मध्य प्रदेश के तमाम संगठन के नेता सतत प्रवास पर रहते हैं, कार्यकर्ताओं से सतत बैठकें होती, संवाद होता है, कहीं कोई नाखुश या नाराजगी वाली बात नहीं। जनता से भी सतत संपर्क का काम चलता है, जनता के हित की योजनाओं का भी फीडबैक लिया जाता है। कहीं भी कोई सरकार से संगठन से किसी की नाराजगी नहीं, यह तो मनगढ़ंत कयास के आधार पर बनी हुई खबर है। इस तरह की कोई नहीं, भारतीय जनता पार्टी सतत ऐसी पार्टी है जो लगातार जनता से और अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करती है, समन्वय का काम करती है और कोई भी फीडबैक आता है तो उसको सुधारने का काम करती है। इस तरह की जितने भी बातें चली ये कोरी अफवाह है, इस तरह की कोई बात फीडबैक में सामने नहीं आई। कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी का कहना है कि ये कमीशन की सरकार है, इसने कोई काम नहीं किया, विधायकों और कार्यकर्ताओं की भी नहीं सुनी, बिकाऊ लोगों से सरकार चलाई। कर्नाटक की तरह ये मध्य प्रदेश सरकार भी जो है कमीशन की सरकार है और इस सरकार ने कोई काम ही नहीं किया और विधायकों के सर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। ना कार्यकर्ताओं की सुनी, ना विधायकों की सुनी, सिर्फ इस भारतीय जनता पार्टी को जो है और इस सरकार को बिकाऊओं के भरोसे चलाया गया और टिकाऊ जो थे वो परेशान घूम रहे हैं। आप जब चुनाव आ गए, जब भारतीय जनता पार्टी को अपने जमीनी कार्यकर्ताओं की याद आ रही है, लेकिन जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। जो इनकी लूटपाट की सरकार है उस सरकार को जनता समझ चुकी है और अब चला चली की बेला है। भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है, करती रहे, लेकिन जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी को बाहर फेंकने का पूरे तरीके से मन मानस बना चुकी है। चुनावी वर्ष में भाजपा के लिए कार्यकर्ताओं और नेताओं की नाराजगी ठीक संकेत नहीं है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, डॉक्टर सत्यनारायण चटिया और प्रभात झा जैसे नेताओं को नजरअंदाज करना महंगा पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो फीडबैक की इस फिक्र के मायने क्या है, इसी को समझेंगे वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर और हमारे सहयोगी ब्रजेश चोकसे के साथ। बहुत स्वागत है खिलावन जी आपका अनादि टीवी। नमस्कार नमस्कार। तो खिलावन जी, फीडबैक एक अच्छी चीज़ है और किसी भी संगठन के लिए, चाहे वो राजनीतिक दल हो या कोई भी, लेकिन चुनावी साल में जब इस प्रकार का फीडबैक आता है तो जाहिर सी बात है, और जो फीडबैक दे रहे हैं उसमें ऐसा भी नहीं कि मान लीजिए आप प्रभात झा की बात कर लें या ऐसे आदमी की, ठीक है लंबे समय से उनको संगठन में कुछ मिला नहीं है, किसी पद पर नहीं है, तो हो सकता है वो अपनी तरफ से कुछ जानकारियाँ दे दें, लेकिन जब केंद्रीय मंत्री ये बात कह रहे हैं तो मामला गंभीर है, और जब मामला गंभीर है तो उसके निराकरण के प्रयास भी गंभीर करना होंगे। तो चुनावी साल में क्या कुछ जतन करना पड़ेंगे पार्टी को, क्योंकि चिंता संगठन की भी और सरकार की भी है। देखिए मनोज जी,
सरकार हो चाहे कोई विपक्षी दल हो, ये सदैव अपने कार्यकर्ताओं के बीच जाकर उनका फीडबैक लेते रहती है। या सरकार है तो सरकार के काम काज के फीडबैक लेने का प्रयास होता रहता है और समय समय पर यह हुआ है, लेकिन अब चुनावी साल है क्योंकि ये, और बहुत कम समय बचा है चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, इसलिए ये फीडबैक में जो रिजल्ट आया है, परिणाम आया है या फीडबैक जो मिला है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस तरह से 14 वरिष्ठ नेताओं को मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में भेजा गया था फीडबैक लेने के लिए, कार्यकर्ताओं का मन तोड़ने के लिए, और उन लोगों ने जिस तरह से शिव प्रसाद के पास जो मध्य प्रदेश के प्रभारी है उनके पास जिस तरह से फीडबैक दिया, जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, और उसके बाद उसी रिपोर्ट के आधार पर जिस तरह से कोर ग्रुप की बैठक में चर्चा हुई, इससे स्पष्ट है कि भाजपा के जो प्रवक्ता, कई प्रवक्ता भले ही इनकार करते रहे लेकिन निश्चित रूप से बहुत बेहतर फीडबैक नहीं मिला है, कार्यकर्ताओं में नाराजगी सामने आई है। मैं तो अक्सर इसलिए कहता हूँ जो प्रवक्ता होते हैं वो एक बसल में वो पंचर बनाने वाले होते हैं कि जहाँ भी पंचर हुआ तो उनको ठेकला लगा नहीं, क्योंकि इसीलिए रखा ही जाता है, तो वो तो कहेंगे ही सही, अपनी 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 पार्टी के साख को बचाने के लिए वास्तविकता से दूर हट के बातें करते हैं वो। तो जो जो फीडबैक मिला उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि विधायक और मंत्रियों से आम कार्यकर्ता नाराज है, उसका मूल कारण ये है कि उनके काम नहीं हो पा रहे, उनको महत्व तो नहीं मिल पा रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण ये है कि दल बदल के बाद न सिर्फ ग्वालियर चंबल बल्कि प्रदेश के कई जिलों में जो जो कांग्रेस से आए भाजपा में आए लोगों को जिस तरह से महत्व तो मिल रहा है, उससे भी जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं जो सदैव लंबे समय से दरी फटके उठाते रहे हैं और पार्टी के चुनाव में अपने आप को झोंकते रहे हैं, ऐसे लोगों में नाराजगी है निश्चित रूप से, और इसी को देख करके ही वो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया होगा। अब इसे 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 मुझे लगता है कि अब इस कवायद में भाजपा या भाजपा की सरकार जुट जाएगी कि इसे किस तरह से दूर किया जा सके, किस तरह से रूठों को मनाया जा सके, किस तरह से कार्यकर्ताओं में जो घनघोर नाराजगी व्याप्त हो गई है उसको दूर किया जा सके, ताकि आने वाले चुनाव में किसी तरह के इनकम जो जो इनकी इनकम्बेंसी दिखाई दे रहा है उसको दूर किया जा सके, बल्कि कार्यकर्ताओं को बेहतर वातावरण देके, बेहतर पूछ परख करके उन्हें उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। इसके लिए मुझे लगता है कि जिस तरह से रोज निगम मंडल के नियुक्तियाँ हो रही हैं उससे भी लगता है कि रूठे हुए को मनाने के लिए एक तरह से ये भी संसाधन झोंके जा रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से पार्टी इतनी बड़ी है, लाखों की संख्या में कार्यकर्ता हैं और निगम मंडल है, एल्डरमैन है, दूसरे तमाम सारी जो नियुक्तियां जोड़ भी लें तो वो हजार का आंकड़ा भी नहीं पहुंचता है। नहीं, आखिर देखिए सम्मान के भूखे रहते हैं, कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता हो वो अपनी पूछ परख चाहता है, स्वाभिमान उनको मिले, पूरा सम्मान मिले पार्टी में सदैव जो जिस तरह से मिलता रहा है वो मिले, लेकिन इसका अभाव इन दिनों देखा जा रहा है, तभी तो कार्यकर्ताओं की नाराजगी उभर कर सामने आई है और इसीलिए भाजपा चिंतित दिखाई दे रही है और आने वाले चुनाव में इसका दुष्परिणाम भी भाजपा को भुगतना पड़ रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अभी समय पर्याप्त है, समय रहते कीड़े जो सड़क पर आ गए हैं उसकी मरम्मत का लाल लेना चाहिए, ताकि हेमा मालिनी की गाल की तरह चमचमाती सड़कें लोगों को मिल सकती। लेकिन उस सड़क पे तो हेमा मालिनी की सड़कों पे तो लालू यादव ने चुनाव कई से जीत लिए थे। ये बात हो रही है कि उनके विरोधी मजाक में कहते थे कि सड़कें ओमपुरी के गाल जैसी हो रही हैं। तो ब्रजेश जी, कई बार होता है कि हांडी के एक चावल से पता नहीं लगता आपको, क्योंकि ये राजनीति अलग है, चावल अलग है कि आपने एक चावल देखा और उससे पता लगा लिया। तो एक पहलू यह भी हो सकता है कि जिन लोगों से लोग मिल रहे हैं, कि हम अगर प्रभात झा की बात करें कि वो बुरहानपुर या निमाड़ के दौरे पर जाते हैं तो कितने कार्यकर्ताओं से मिले होंगे, 150, 200, 500। नरेंद्र सिंह तोमर हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, कितने लोगों तक पहुंच पाते हैं, कितने लोग उन तक पहुंच पाते होंगे, ज़्यादातर उनमें वो होते होंगे जो उनके खास समर्थक हों। तो ऐसे में एक पहलू ये भी है कि नाराज़गी का स्तर शायद उतना ना हो जितना बताया जा रहा है, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि नाराज़गी इस स्तर पर है कि अगर आप 100-200 लोगों से भी मिल रहे हैं बड़े नेता और अगर वो भी नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं तो जिन लाखों कार्यकर्ताओं तक ये लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं तो उनमें नाराज़गी का लेवल कितना ज़्यादा होगा। देखिए मनोज जी, यदि नाराज़गी की बात आ रही है तो निश्चित तौर पर आप जिन नेताओं का जिक्र कर रहे हैं वो कोई ऐसे नेता नहीं है कि जिनके 2-4-10 लोगों से संपर्क होते बिल्कुल हो। वो ऐसे नेता हैं जिनके पास पहुंचने पर सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता उनसे मिलने जाते हैं। हर
तर्क के कार्यकर्ता जाते हैं और सिर्फ उन नेताओं के फीडबैक पर नहीं चल रहा है बीजेपी के हम नेताओं, क्योंकि वो नेता तो खुद ही नाराज चल रहे हैं अपनी पार्टी से, यदि वो नाराजगी व्यक्त करेंगे तो निश्चित तौर पर उनका दर्द भी है उसमें मिला होगा, लेकिन और भी फीडबैक लिए हैं और ये फीडबैक आता ही है सामने और बीजेपी बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि वो हारती है तो कार्यकर्ता की वजह से, क्योंकि कांग्रेस जैसा संगठन नहीं है उसका, कांग्रेस में नेता के लोग होते हैं और बीजेपी में पार्टी के लोग होते हैं, और बीजेपी में जब पार्टी के लोग होते हैं तो वो अपने नेताओं से नाराज हो जाते हैं तो आप देखिए वो घर बैठ जाते हैं यदि उसी नेता को टिकट दिया आपने, यही वजह है कि हम देखते हैं कि पार्टी टिकट काट देती है जो नाराजगी भाप कर, तो नाराजगी के अनुसार ही जो एंटी इनकम्बेंसी जो कार्यकर्ताओं में होती है नाराजगी के, हमारा नेता नाराजगी क्यों ना होगी, आप 20 साल से सत्ता में हो मनोज जी, आप लगातार उस क्षेत्र से मंत्री हो विधायक हो और अब कार्यकर्ताओं को आपने एक तरह से हांसिए पर धकेल दिया है, उनकी उतनी पूछ परख नहीं, आपको लगता है कि आप लहर में जीत जाते हो, बीजेपी का वो है माहौल है तो आपको जीत मिल जाएगी, तो आप कार्यकर्ताओं को उतनी तवज्जो नहीं देते हो जितनी पहली बार आप विधायक बनते हो तो हर कार्यकर्ता को महत्व देते हो, लेकिन वो क्यों नहीं दे रहे हो आप, इस वजह से जो नाराजगी पनपती है उसका दुष्परिणाम पार्टी को भुगतना पड़ता है, आप देखिए नेता भी नाराज हैं तो आप देखिए कि प्रदेश के प्रभारी जा रहे हैं उनके घर पे जो नाराज नेता होते हैं, यदि आप जयंत मलैया नाराज थे तो आप देखिए कि बड़े बड़े नेता वहाँ जा रहे हैं, तो ये समय ऐसा है आज जाके अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते हैं आप देखिए, तो आप देखिए क्यों मना रहे हैं आप, क्योंकि एक 5 साल में आप वो चुनावी तो वो समय है जब कार्यकर्ताओं की याद आती है आपको, कार्यकर्ताओं की पूछ पर कार्यकर्ताओं की वैल्यू पता चलती है, अब कार्यकर्ताओं की वैल्यू का पता 4.5 साल आप भले ही ना किया हो आपने उनका काम, लेकिन यदि आप आखिरी में उनका काम कर देते हो तो मुझे लगता है उस तरह से ही नाराजगी दूर हो जाती है जिस तरह पिता पुत्र में या परिवार में नाराजगी होती है कि भाई बेटा नाराज होकर चला गया तो उसके कंधे पर हाथ रख दिया कि हाँ भाई तेरी नाराजगी क्या है दूर कर देते हैं, तो ये क्या चाहिए वो दे देते हैं, तो वो नाराजगी पूरे 4 साल की है ना दूर हो जाती है, वो पार्टी उसी दिशा में काम कर रही है कि भाई जो नाराजगी है किससे नाराजगी है आपको प्रभारी मंत्री से, चलिए हम बदल देते हैं, आपको इससे नाराजगी है हम बदल देते हैं, हमने देखा इससे पहले भी दिल्ली में किस तरह से गदर हुआ था प्रदेश अध्यक्ष को लेकर, तो उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया था, तो आप देखिए कि नाराजगी भांपती है, सिर्फ इस आधार पर हम नहीं कह सकते कि प्रभात झा या दूसरे नेता गए और उन्होंने कह दिया कि नाराजगी है, निश्चित तौर पर उन्होंने संगठन को सही बात वही कहा, क्योंकि केंद्रीय मंत्री भी गए क्योंकि वो भी गए जो सत्तारूढ़ पार्टी में, उनके लोग तो बोलते ही होंगे लेकिन उसके अलावा भी वो निश्चित तौर पर दूसरे लोगों से मिलते होंगे, संगठन के जो लोग जाते हैं वो तो दूसरे लोगों से ही मिलते हैं, यदि अपने क्षेत्र की नाराजगी की बात करें हम यदि प्रभात झा से कहें कि ग्वालियर जाके नाराजगी की बात करो, या हम कहें कि नरोत्तम मिश्रा से कि आप तो दतिया की नाराजगी की बात करो, तो उनकी नाराजगी मायने नहीं रखती, लेकिन वही नरोत्तम मिश्रा को आप विदिशा भेजते हो, वही नरोत्तम मिश्रा को आप जबलपुर भेजते हो और प्रभात झा को आप दूसरे क्षेत्रों में भेजते हो, तो तब वहाँ से फीडबैक आता है क्योंकि वहाँ आपके लोग नहीं हैं, आपको पहचानने वाले हैं, आपके कार्यकर्ता हैं, आप जिलाध्यक्षों से मिल रहा है, वो खुलकर आपकी बात कर सकते हैं, उस क्षेत्र के नेता से वो खुलकर बात नहीं कर सकते क्योंकि उसी से काम है ना उनको, उसकी उससे नाराजगी तो उसको नहीं बता सकते, और नेता भी किसी का नाम लेकर नहीं बताता कि ये नाराजगी इससे, जिलाध्यक्ष से नाराजगी है तो बता देते हैं नाराजगी का कारण बता देते हैं, ये भी पूछते हैं नेता कि भाई आप नाराज हो प्रभारी मंत्री से विधायक से तो किस वजह से नाराज हो, तो वो कह देंगे कि साहब ये प्रभारी मंत्री तो पूछते नहीं है, हमारी सुनवाई नहीं होती, कार्यकर्ताओं के काम नहीं होते तो इस वजह से नाराज हैं, आते हैं कब चले जाते हैं ये पता नहीं चलता, तो ये जो वजह पता चलती हैं उस वजह को दुरुस्त करके बीजेपी खुद को मजबूत कर लेती है, और हम देखते हैं कि जो टिकट काटे जाते हैं उसकी एक बड़ी वजह भी यही होती है कि पार्टी स्थानीय जनप्रतिनिधि से नाराज है विधायक से नाराज है, इसलिए नाराजगी के कारण वो उसके टिकट काट देती है, जब टिकट काट देती है तो कार्यकर्ता की नाराजगी स्वाभाविक रूप से दूर हो जाती है, दूसरा व्यक्ति आता है उससे नया जुड़ाव होता है, वो सोचते हैं कि इस वजह टिकट कट गया इसको जिताना है, तो वो नाराजगी दूर कर देते हैं टिकट काट कर। दूसरी जो एंटी इनकम्बेंसी स्थानीय जनप्रतिनिधि के लिए होती है कि वो तो दिखे ही नहीं 5 साल में, उन्होंने तो ये सड़क नहीं बनवाई, क्षेत्र के लोगों ने कहा सुनवाई नहीं हुई, तो ये चीज़ भी आ रही है, तो उस चीज़ को भी पार्टी ने लिया है कि पार्टी का कार्यकर्ता तो नाराज है, यदि साथ में यदि कोई क्षेत्रीय के लोग भी नाराज हैं तो उसकी नाराजगी को दूर तो आप टिकट काट के ही कर सकते हो, कार्यकर्ताओं की नाराजगी आप भले ही दूसरे माध्यम से कर सकते हो, कि जो नाराजगी संगठन आप पूछ पर कर, यदि प्रदेश के प्रभारी चले जाते हैं और बड़े नेता जाके उसके कंधे पे हाथ रख देते हैं तो निश्चित तौर पर उसकी नाराजगी दूर हो जाती है और वो काम में लग जाता है, तो बीजेपी सही समय पर मुझे लगता है कि काम कर रही है, जब लगातार सत्ता में रहते हैं तो नाराजगी पनपने का स्वाभाविक कारण भी होता है कि आपको उम्मीदें बढ़ जाती हैं कि आप सत्ता में हैं तो आपके काम होना चाहिए, तो ये उम्मीदें भी पूरी नहीं कर पाते इस वजह से भी नाराजगी होती है। एक जो प्रभारी मंत्री सिस्टम है उसमें भी बदलाव की जरूरत है, क्योंकि होता ही है कि जब जिस जिले का वो नेतृत्व करता है तो वहाँ तो वो केवल उन लोगों की पूछ पर आके उनके काम करता है जो उसके क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र के हों या जिनसे उसको काम पड़ता है, बाकियों को तो वो गिनती में लेता नहीं है।
प्रभार के जिले उसको मान लीजिए किसी को 700 किलोमीटर दूर आपने प्रभारी मंत्री बना दिया, उसका वहाँ से कोई अटैचमेंट होता नहीं, कई बार वो जाता ही नहीं है, जाता है तो फॉर्मेलिटी करके जाता है, भले मुख्यमंत्री ने कहा हो कि आप जो जिला प्रभार के जिलों में जाएंगे तो रात्रि विश्राम करेंगे, जिला कार्यालय में बैठेंगे, लोगों से मिलेंगे। हम देखते हैं ऐसे गिनती के ही मंत्री हैं जो प्रभार के जिले में जाते हैं और कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। नरोत्तम मिश्रा की हम बात कर रहे हैं तो इंदौर आप देखिए प्रभारी हैं तो लगातार उनके दौरे होते हैं। तुलसी सिलावट की हम बात कर लें कि वो लगातार ग्वालियर, ये भी हो सकता है चूँकि सिंधिया वहाँ से आते हैं इसलिए वो जा रहे हों, बाकी कई सारे प्रभारी मंत्री हिलते ही नहीं हैं। तो अगर इस सिस्टम में भी बदलाव कर दिया जाए और उनको भी एक ताकीद कर दी जाए कि उनको अनिवार्य कर दिया जाए कि जिस प्रकार सप्ताह में एक बार कैबिनेट होनी मंगलवार की, उसी प्रकार आप शनिवार को प्रभार के ज़िले में जाएंगे या रविवार की रात वहाँ रुकेंगे और मंगलवार को आप सोमवार को क्षेत्र में रहकर मंगलवार को जब कैबिनेट की मीटिंग हो तो आप अपनी ब्रीफिंग मुख्यमंत्री से करें अनौपचारिक कैबिनेट में कि साहब ये वहाँ इस विभाग की समस्या है, ये दिक्कतें हैं, कार्यकर्ताओं के साथ ये परेशानी है, तो शायद एक बेहतर सिस्टम बन जाएगा और जो कार्यकर्ताओं की नाराज़गी काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। मनोज जी, हम मध्य प्रदेश के इक्का दुक्का मंत्रियों को छोड़ दें तो अधिकांश मंत्री अपने प्रभार के जिले में प्रवास ही नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, जहाँ तक रात्रि विश्राम की बात है, जहाँ तक कार्यकर्ताओं के बीच बैठकर उनसे चर्चा करने की बात है, ये सब कुछ भी नहीं हो पा रहा है। हो ये रहा है कि प्रभारी मंत्री विधायक मिलके जो काम होता है उसको करा लेते हैं, लेकिन आम कार्यकर्ता अपने छोटे छोटे काम के लिए तहसीलदार हो, पटवारी हो, पंचायत सचिव हो, CMO हो, उनके चक्कर लगा लगा के चप्पल घिस जाते हैं लेकिन उनका काम नहीं हो पाता। जो आभा मंडल में रहते हैं प्रभारी मंत्री और विधायक, स्थानीय विधायकों के 5-10 लोग मुट्ठी भर कार्यकर्ता, उन्हीं के काम, उन्हीं की सुनवाई होती है प्रशासन की। तथा आखिर कार्यकर्ता चाहता क्या है? चाहता ये है कि यदि उनकी सरकार है, उनकी सरकार है तो उनके छोटे मोटे काम, उनके बताए हुए या किसी को मदद करना चाहता है तो उनके काम प्रशासनिक स्तर पे या निचले स्तर के कर्मचारियों को मध्यम स्तर के कार्यालयों में जो है उनका काम निपट जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। यही कारण है नाराजगी बढ़ने का। और मुझे लगता है कि जिस तरह से नाराजगी बढ़ी है और लगातार सत्ता में होने के कारण भी हो है ये, लगातार यदि हम 15 महीने छोड़ दें तो लगातार लगभग 19.5 साल हो गए भाजपा को सरकार में, तो उसके कारण भी लोग अब अपने आप को उपेक्षित करने महसूस करने लगे हैं। क्योंकि नए, एक तो क्या है कि आयु सीमा के कारण नए कार्यकर्ताओं को बहुत ज़्यादा, कम उम्र के कार्यकर्ताओं को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है संगठनों में, तो जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जो लंबे समय से काम कर रहे हैं पार्टी के लिए वो उपेक्षित हो जाते हैं, उनमें नाराजगी सामने आने लगती है। कुल मिला के मेरा यही कहना है कि जो फीडबैक आए हैं वो भाजपा के लिए बहुत बेहतर संकेत नहीं है और इसको यदि समय रहते दूर नहीं किया जाए तो भाजपा को इसके दुष्परिणाम आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। देखिए, जो इनको सुधार करने की प्रक्रिया है, जिसको हम कहते हैं कि इस प्रक्रिया में सुधार होना चाहिए, तो कई चरणों में होते हैं। पहले चुनाव के बहुत पहले 4-6 महीने पहले कार्यकर्ताओं की बात देखी जाती, सुनी जाती है और उसमें यदि कुछ नाराजगी हो या कोई ऐसा संकट हो तो उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। टिकट वितरण के बाद जो है स्थिति देखी जाती है कि किस तरह से उसको डैमेज कंट्रोल किया जाए, डैमेज कंट्रोल यदि नाराजगी है तो डैमेज कंट्रोल करके उसको नाराजगी को दूर की जा सकती है। या चुनाव प्रचार के दौरान भी कई प्रसंग ऐसे आते हैं कि कार्यकर्ता नाराज हो जाते हैं, तब भी एक डैमेज कंट्रोल का प्रयास पार्टी के द्वारा किया जाता है, चाहे कोई भी दल हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य दल हो, तो इस तरह की प्रक्रिया चलते रहती। तो मुझे लगता है कि यदि डैमेज कंट्रोल के अभी से प्रयास शुरू कर दिए जाए तो भाजपा को इसका लाभ मिल सकता है। क्योंकि अभी तो ब्रजेश जी, डैमेज कंट्रोल तो बीजेपी ने, हम कह सकते हैं, कर ही दिया है, क्योंकि अगर इतने तमाम सारे नेता बैठते हैं वो खुलकर बात हुई है। अगर हम तस्वीरें भी हम जो दिखा रहे हैं दर्शकों को कि मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं, तमाम सारे केंद्रीय मंत्री हैं, उनका अपना फीडबैक है, संगठन के पास अपना एक सिस्टम है, सरकार का एक अपना सिस्टम है, तो जाहिर सी बात है कि सरकार को ही समझ में आया और संगठन को भी कि नाराजगी किस स्तर पर है और उसको कैसे दूर किया जा सकता है, तो हो सकता है उसके लिए कोई एक मैकेनिज्म तैयार हो जाए चुनाव तक। निश्चित तौर पर इस पर विचार पार्टी भी कर रही होगी और सरकार भी कर रही है और उस दिशा में उनके कदम बढ़ते भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने की कोशिश की जा रही है।
संगठन में जो नियुक्तियां होती हैं, जो छोटे नेता होते हैं जिनके फॉलोअर्स बड़ी संख्या में होते हैं, उनको भी साधने का जतन किया जा रहा है, तमाम नियुक्तियां की जा रही हैं। अपेक्स बैंक में देखिए लंबे समय से वो पड़ा हुआ था, उस पर सामंजस्य बनाने की कोशिश की जा रही है, तालमेल बनाने की, सिंधिया खेमे से चाहे प्रभात झा के लोग हों चाहे नरोत्तम मिश्रा के लोग हों, सबको बकायदा चाहे कैलाश विजयवर्गीय के लोग हों, उनको महत्व दिया जा रहा है। तो एक तरह से चेन सिस्टम रहती है कि यदि नेता नाराज है तो उसके समर्थक नाराज हैं, उसके समर्थक नाराज हैं तो नीचे उससे जुड़े कार्यकर्ता नाराज हैं, तो सबको एक तरह से जो भांपने के बाद वो काम किया जा रहा है कि चुनाव से पहले नेताओं की भी नाराजगी दूर हो जाए और उनके जो समर्थक हैं उनकी नाराजगी भी दूर हो जाए। तो निश्चित तौर पर एक जो मैसेज जाता है कि यदि प्रभात झा सक्रिय हो जाएंगे, बाकी के जो नेता घर बैठे हुए हैं वो सक्रिय हो जाएंगे, तो एक नाराजगी दूर हो जाएगी, संगठन अब सबकी पूछ परख करने लगा, कार्यकर्ताओं तक वो मैसेज पहुंच जाता है कि जब नेता नाराज था तो घर बैठा हुआ था, उसके समर्थक भी उतने सक्रिय नहीं थे और कार्यकर्ता भी उस क्षेत्र के सक्रिय नहीं थे। तो आप देखिए कि जो नाराजगी का एक सिस्टम है उसको दूर करने के लिए मैकेनिज्म कैसे बनाया जा रहा है कि जो नाराज है उन्हीं को जिम्मेदारी दी कि आपको नाराजगी दूर करनी है, तो निश्चित तौर पर आप वो नाराजगी दूर करने जाएंगे तो सबसे पहले तो उनकी नाराजगी दूर हो गई, इसके बाद वो कार्यकर्ताओं को नाराजगी समझने की कोशिश करेंगे किस बात की नाराजगी है। कई बार होता है कि सिर्फ एक ईगो हट हो जाता है आपका कि आपको महत्व नहीं दिया गया, आप विधायक से मिलने गए आपसे मिले नहीं, इस बात से छोटे छोटे कारण ऐसे होते हैं जो नाराजगी के पता चल जाते हैं जब आप बात करते हो, तो वो नाराजगी दूर कर दी जाती है कैसे, यदि आप किसी विधायक से नाराज हो उसने माफ़ी मांग ली तो दूर हो जाती है, यदि आपका कोई कार्यकर्ता का काम नहीं हुआ, उसको कोई रिश्तेदार का तबादला कहीं और हो गया, वो कोई मुसीबत में फंसा हुआ उसकी मदद नहीं की तो वो मदद कर दी जाती सरकारी स्तर पर। तो आप देखिए चुनावी साल में अब कार्यकर्ताओं के हिसाब से तबादले भी हो जाते हैं कि भाई हम इससे नाराज हैं, इस वजह से विधायक से नाराज हैं कि विधायक ने हमारा काम नहीं किया। लाहौर में आप देखिए जिन प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जो घटना होती है उसके बाद बीजेपी का नाम आता है, तत्काल एक्शन लेती है सरकार और जो बीजेपी के लोग हैं उनके कहने पर आप देखिए कि दोनों को कार्रवाई कर दी जाती है। तो आप देखिए एक दूर करने की नाराजगी ना कि हमारी सरकार है और हम पर ही बिल्डोजर चल रहा है और अधिकारी हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, तो आप कार्रवाई कर देते तो जो नाराजगी होगी दूर हो जाती है। तो यही वजह है जिन पर सतर्कता से काम करेंगे तो जो नाराजगी है वो दूर हो जाएगी। और जो काम किसी के अटके हैं छोटे छोटे काम रहते हैं, कई बार हमने देखा कई मंत्रियों के बारे में कि भाई इस बात से भी नाराज हो जाते हैं कार्यकर्ता कि ट्रैफिक पुलिस ने उनकी गाड़ी पकड़ ली छुड़वाई नहीं मंत्री जी ने और विधायक जी ने, तो भी नाराज हो जाते हैं। तो छोटी छोटी बातें रहती हैं कार्यकर्ताओं की, छोटे छोटे हित रहते हैं उनके, जो साधने लगेंगे जो काम होने लगेंगे तो निश्चित तौर पर वो सक्रिय हो जाएंगे, क्योंकि उनने 15 माह का वो कार्यकाल भी देखा है कि तब तो बिल्कुल ही सुनवाई नहीं होती थी, अब तो कम से कम हमारा विधायक है तो हम रात में घंटी बजा सकते हैं, मोबाइल लगा सकते हैं, उसको उठा सकते हैं, वो नहीं सुनेगा तब पार्टी के बड़े नेताओं से कह सकते हैं। तो ये एक भी एक अलग कारण भी होता है कि इस वजह से थोड़े बहुत नाराज होते हैं कार्यकर्ता और मान जाते हैं सक्रिय हो जाते हैं। तो बीजेपी उसी दिशा में कदम बढ़ाते दिख रही है, वो बाकायदा उसकी तैयारी कर रही है, चाहे संगठन स्तर पर बातचीत हो रही, बहुत सारी चीजें बातचीत से हल हो जाती हैं। मंत्री यदि सक्रिय हो जाएंगे, मुख्यमंत्री यदि नाराजगी दूर करने लगे, हमने तो देखा है प्रधानमंत्री भी जब नाराज होते हैं कार्यकर्ता तो सीधे संवाद कर लेते हैं और बात कर लेते हैं, तो नाराजगी दूर हो जाएगी। देखा था कि नाराज एक कार्यकर्ता और मध्य प्रदेश में भी कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री करेंगे तो वो भी नाराजगी मुझे लगता है दूर हो जाएगी और उनकी सक्रियता बढ़ जाएगी, तो जो नाराजगी है पार्टी उसको साध लेगी, उसका फायदा उसको चुनाव में मिल जाएगा। बिल्कुल, और बाकी के कार्यकर्ता भी यही उम्मीद कर रहे होंगे कि शायद इसी दिशा उनका भी पार्टी ध्यान रखेगी। बहरहाल अब चर्चा को ही विराम देते हैं, बहुत धन्यवाद खिलावन जी आपका। तो निश्चित तौर पर पार्टी का जो फीडबैक सिस्टम होता है हर एक दल का होता है, लेकिन बीजेपी ने एक जो तंत्र बना रखा है और जिस प्रकार से वो पार्टी उसको लेकर गंभीर है, तो उम्मीद की जाना चाहिए, बहुत सारे कार्यकर्ता इस उम्मीद में होंगे कि उनकी जल्दी सुनवाई होगी और जो उनकी नाराजगी होगी उस पर पार्टी गौर करेगी। अटेंशन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।